क्या नाम है आपका? गजराज मांझी। अच्छा, तो अभी विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस के कार्यकाल में कितना विकास हुआ गांव में? बहुत हुआ है, अच्छा हुआ है। अच्छा, तो फिर से कांग्रेस आ पाएगी इस बार? हाँ, जानकारी के अनुसार आने वाला है, लेकिन बोलते हैं। आपका क्या कहना है? ठीक है, भूपेश सरकार। भूपेश सरकार ठीक है। आपके यहाँ विकास हुआ है? हाँ, हमारे यहाँ विकास हुआ है। वैसे तो उतना नहीं जानकारी है भाई, मैं वो वार्ड नंबर 2 का मेंबर भी हूँ। नहीं तो आप इस गांव का नहीं है? नहीं हूँ, मैं हूँ। के लिए रोड नहीं था पहले, एम्बुलेंस नहीं आता था? हाँ, अभी तो रोड तो है, लेकिन और भी रोड बनाना पड़ेगा। मतलब ये मुख्य मार्ग में एम्बुलेंस नहीं आता था, ये तो जब भी खुर्सी पहाड़ रोड भी खराब है पूरा, उसको बनाना पड़ेगा। जम नहीं था, जीर्ण शीर्ण अवस्था था बीजेपी के कार्यकाल में। वैसे तो बना, रोड ही बना। हाँ, बना है। और क्या क्या विकास हुआ? गोठान में कितना काम हुआ है? गोठान में तो हो गया है, बहुत हो गया है। तो गोठान से फायदा मिल रहा है? और मिल रहेगा। अच्छा, ये बताइए, स्थानीय हम लोग नेता की बात करें, कौन कौन लोग जनसंपर्क में है यहाँ बीजेपी से? बोलो नहीं, एक बार जी तुम्हें बोलने का। बोलना का आपका नाम क्या भैया? जयप्रकाश सिद्धार्थ। जयप्रकाश सिद्धार्थ। अच्छा, तो बताइए यहाँ जनसंपर्क में कौन कौन नेता लोग? अभी तो हमारे राजा साहब आए थे एक दो बार जनसंपर्क में। अच्छा। बाकी तो बीजेपी वाले नहीं आए हैं। बीजेपी से जनसंपर्क कोई नहीं है? नहीं, अभी नहीं आए हैं। क्या लगता है आप किसकी सरकार बनेगी यहाँ? अभी तो फिलहाल कांग्रेस नज़र में है। अच्छा। कांग्रेस सरकार। जी, तो आप किसान हैं? हाँ, किसान है। अच्छा, तो किसान है। हाँ, तो क्या लगता है समर्थन मूल्य में जो वादा किया वो पूरा करेगी कांग्रेस सरकार? करना तो चाहिए, पिछले चुनाव में जो कर्जा माफ़ किए हैं, बोनस दिए हैं, तो उस हिसाब से इस साल भी 20 क्विंटल धान लेंगे, 2800 रुपया रेट देंगे। अच्छा, वही तो बोल रहे हैं। तो आपके गांव में पहले रोड नहीं था, एम्बुलेंस नहीं आ पाती थी, चार पहिया लोग बहुत परेशानी होता था, कीचड़ वाला रोड था। तो कांग्रेस के कार्यकाल में आपका रोड बना, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ, सुविधा बढ़िया है, आना जाना हर चीज़ में। अच्छा, हाँ। अच्छा, और क्या विकास हुआ है कांग्रेस के कार्यकाल में आपके गाँव में? हमारे गाँव में अभी तो ये गौठान बनाए हैं और कांग्रेस ने और भी कुछ वादे किए थे अपने चुनावी मुद्दे, जैसे कि शराबबंदी का वादा किया था कांग्रेस ने, मगर उसमें शराबबंदी नहीं की। हाँ, शराबबंदी बाकी नहीं किए हैं, कर्जा माफ और बोनस का वादा पूरा किए हैं। तो क्या लगता है आपको, शराबबंदी जो है आने वाले चुनाव को प्रभावित करेगी? हाँ, तो करना तो चाहिए शराब। आप ये बताइए कि शराबबंदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए। अच्छा, होना चाहिए, शराबबंदी होना चाहिए, सबके लिए है। अच्छा, हाँ। आपका क्या नाम है? तो कौन पिएगा? सुनील नाग। सुनील नाग। अच्छा, तो बताइए मतलब किसकी सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में? अभी तो फिर हर कांग्रेस का चल रहा है। अच्छा, कांग्रेस का चल रहा है। हाँ। आप किसान है कि मजदूर है? किसान है। अच्छा अच्छा, क्या कुछ कितना विकास हुआ है कांग्रेस के कार्यकाल में? बहुत कुछ हुआ है। क्या क्या जैसे बताएं? ये जो वही बताया है वही वैसे हुआ है। गोठान है, रोड बना है, नाला है। हाँ, मैं तो उतना जानता हूँ। अच्छा, और नेता लोग क्या है जनसंपर्क में? कौन नेता है बसना से, बीजेपी से या फिर कांग्रेस से? अभी राजा जी तो हैं जी। अच्छा, राजा जी। आपका क्या नाम है सर? जी सर, मेरा नाम नीलांबर पारेश्वर जी। हाँ, ग्राम पंचायत सिरको। जी जी, तो क्या लगता है किसकी सरकार बनते दिखाई दे रहे हैं, कितना विकास हुआ है गाँव में? गाँव में तो बहुत सारे विकास हुआ है सर। हाँ, जैसे कि रोड और पुलिया तो हुआ ही है, ग्रामीण लोग बताए, इसके सिवा और क्या क्या हुआ है गांव में? भाजपा सरकार 15 साल राज कर चुका था। मैं खुद उनके लिए आवेदन पेश किया हूँ, कई बार पेश किया। ये पहला रूप कुमारी था जी, है? जी। ये रोड कभी बन नहीं पा रहा था। अपने गांव में बहुत बड़े नेता लोग थे, कई जने हम लोग मिल करके वहाँ इसको प्रयास कर रहे थे जी, कोई भी ध्यान नहीं दिए। अच्छा। अब उसके बाद में अपना फिर चुनाव आया, अपना राज आया, कांग्रेस राज आया है, तब ये अपना रोड जो बना तो देखो कितना सुंदर बन गया है। यहाँ से लेकर के पूरा नावागांव, केसरीपुर, सल्ढी, पूरा किसी को माने परेशानी नहीं है अपने को। मतलब अपना अपना विधायक राजा देवेंद्र बहादुर जी, जी उसके कार्यकाल में ना अपने को बहुत सुंदर सुविधा उसके प्रशंसा से हमको मिल रहा है अपने गांव में जी। बहुत सारा काम किया है देखो, अब अपने गांव में क्या बोलते हैं, रंग मंच भी बनवा दिया है, सीसी रोड बनवा दिया है, अभी फिर एक काम दिया है
और दूसरा में अभी हाई स्कूल के लिए अभी हम लोग अभी जो सांसद चल रहा था उनका, तो मैं खुद उनको फ़ोन करके बताया हूँ कि ऐसे ऐसे अपने गांव में समस्या है। ठीक है पारेश्वर जी, अपने काम बिल्कुल हम करेंगे करके उन लोग अभी भी आश्वासन दे करके उन लोग आवेदन भी पेश किए हैं। तो मतलब कांग्रेस के कार्यकाल में विकास हुआ है? बिल्कुल, बहुत विकास हुआ है अपने बांधा। अब कोई भी किसान लोगों को भी पूछ लो, इनका तो सबका तो कर्जा माफ हो गया है, किसी को भी पूछो उन लोग ही बता देंगे पूरा। मजदूरों के लिए क्या किया कांग्रेस सरकार ने? मजदूरों के लिए जैसे भूमिहीन है उनको दे रहा है शासन ने, अपने भूपेश बघेल, सात हजार की कितना, हाँ 7,000 पैसा दे रहा है। अच्छा। 6,000 था जो उसको 7,000 कर दिया है। हाँ। उनको बेइज्जत अपने गांव में मिल रहा है। लेकिन पेंशन अभी कम मिल रहा है, मतलब पेंशन का बढ़ाने का वादा किया था कांग्रेस ने? पेंशन बढ़ाने का वादा क्या था, अभी नहीं बढ़ा है उसका, मैंने प्रोसीज है चालू है अभी। कर्मचारियों को संघ का भी वेतन पूरा नहीं हो पाया है, मतलब जैसे कि रसोईया बता रहे थे। हाँ, वेतन को भी अभी बढ़ा रहा है अभी सरकार अभी। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार फिर से कांग्रेस सरकार बना पाएगी इन सब मुद्दों पे? अच्छा, कांग्रेस से बताइए मुझे कि इनको टिकट मिलेगी, राजा साहब को पुनः टिकट मिलेगी कि और कोई नेता है जो जिनको टिकट मिलेगी? अपने को तो भरोसा है अपना विधायक राजा देवेंद्र को ही मिलना चाहिए। बसना जीत दिलाएंगे, बसना बिल्कुल जिला सकते हैं हम लोग। उसके उसके जैसे अपने अपने क्षेत्र में अपने एरिया में अपना विधायक जैसे और हमारा कोई नहीं है, वो ही हमारा मुखिया है फुलियर राज्य का पूरा। अच्छा, तो जैसे अभी आपने बताया कि गांव में काफी सारे विकास हुए हैं। जी जी जी। जैसे अभी हम आपके स्कूल के सामने खड़े हैं जी, यहाँ पे काफी सारे बच्चे बाहर खड़े हैं जी। बताया जा रहा है कि यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में मात्र एक शिक्षक है जी जी, मिडिल स्कूल में भी शिक्षक की व्यवस्था नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, सही है। इस तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रहे शिक्षा व्यवस्था तरफ, जैसे कि अभी हम पिछले दिनों जेवरा गए थे वहाँ पे भी छात्र। अच्छा अच्छा, सुनिए सर, सुनिए सुनिए, बीओ सर को मैं सर के पास जाता हूँ, मैं उस दिन बताया सर को, उसके बाद बीओ सर को मैं स्वयं फोन लगाया हूँ, तो बीओ बोला है कि कलेक्टेट हम लोग भेज चुके हैं सर जी, मैं फोन में बात किया तो कलेक्टेट अपने गांव के लिए हम भेज चुके हैं, वो आने वाला है, ऐसे करके वो भी आश्वासन दिया है। तो क्या केवल आश्वासन से बच्चों का भविष्य बन जाएगा? नहीं सर, परसों की बात है ना, परसों अगर नहीं करेगा ना, एक हफ्ता हम लोग देख रहे हैं उनको आश्वासन को, अगर नहीं करेगा ना उसके बाद फिर देखेंगे, फिर प्रयास करेंगे हम। लेकिन हम क्षेत्र में देखते हैं कि काफ़ी सारे इलाकों में जो है शिक्षकों की कमी दिखाई देती है, तो इस तरफ आखिर शासन क्यों पहल नहीं करती है? अगर शिक्षकों की कमी है तो क्यों भर्ती नहीं ली जा रही है? लेगा सर, अनेक प्रकार का तो प्रयास कर रहा है, क्यों नहीं लेगा भाई। केशव कुमार साईं, मैं यहाँ का रसोईया हूँ, यहाँ बहुत दिन से रसोई करते करते आ रहा हूँ, और हमारे वेतन बहुत कम है, 6 घंटे काम करते हैं, आगे सुलगाने के झील लाते हैं, कच्चा लकड़ी देता है, उसमें हम परेशान रहते हैं, अब वेतन तो एकदम बहुत कम है। अभी कितना वेतन मिलता है आप लोगों को? अभी मैं 1500 मिल रहा है। अच्छा, 1500। हाँ। और 6 घंटा काम करते हैं। हाँ। और तो आप लोग कितने की मांग कर रहे हैं अभी? अभी 9,000। अच्छा, 9,000 की। हाँ। तो अभी कितना बढ़ा है कांग्रेस सरकार, कितना बढ़ा है आप लोगों का? वो अभी हड़ताल किए थे तो 300 बढ़ाया है, लेकिन नहीं मिल रहा है। अच्छा, 300 बढ़ा है। हाँ। तो आप लोगों का क्या कहना है, हड़ताल में क्या निर्णय हुआ? हमारा हड़ताल में वो 9,000 जो है उसी को निर्णय लिए हैं। अच्छा, निर्णय लिए हैं। हाँ। तो अभी आप फिर से हड़ताल से वापसी आ गए हैं? आ गए हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो क्या लगता है कांग्रेस सरकार आपके वादे पूरा करेगी? अब सरकार तो दोनों है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, वो करेगी या नहीं करेगी कैसे जानेंगे हम। तो आप फिर से मतलब मांग करेंगे कि बीजेपी से उम्मीद है? नहीं, हम तो अभी हाल ही के दोनों में। हाँ नहीं, तो हम तो मांग करेंगे ही करेंगे। अच्छा, अभी हाल ही के दोनों में चुनाव है। हाँ। तो क्या लगता है आपको, बीजेपी फिर से आ पाएगी कि सरकार मतलब कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी? वो तो बोल नहीं सकते ना जी, लेकिन बीजेपी को ध्यान दे रहे हैं अधिकतर। अच्छा, अधिक लोग बीजेपी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं? हाँ। ऐसा क्यों? वो हमारा वेतन बढ़ाया है, वो बढ़ाया था और वही सब कुछ किया था। अच्छा, मतलब बीजेपी के कार्यकाल में आप लोगों का वेतन बढ़ा था? हाँ। अच्छा, उस बीजेपी के कार्यकाल में पहले कितना मिलता था और कितना बढ़ा? वैसे तो बढ़ते बढ़ते हमको 400 मिल रहा था, 400 से अभी 800 गया है। अच्छा, मतलब आप लोग पहले 400 से काम करना चालू? हाँ हाँ।
तो बीजेपी के कार्यकाल तक 1500 रुपये बढ़ा था और वे 300 रुपये बढ़ा है कांग्रेस के कार्यकाल। ये पूरा कंक्रीट हुई, ये नल जल खुदाई हुई से ना, ओकर बाद इतने हो गई से पूरा बर्बाद। नल जल के बाद हुई से? हाँ, नल जल के बाद हुई। अब ठेकेदार तो हम क्या बताइए? बसंत साहू। अच्छा, अभी पिछले 4-5 साल से कांग्रेस के कार्यकाल थे जी, कितना कुछ विकास हुआ गांव में? कांग्रेस के कार्यकाल में देखा जाए जो उम्मीद था उस उम्मीद से काम तो नहीं हुआ है। हमारे विधायक जी से जो उम्मीद था उतना तो काम नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ। पर भविष्य में यदि अच्छा काम करेंगे, जैसे रोड की कमी है, सीसी रोड नहीं हुआ है कई जगह, पानी की समस्या, आए दिन स्कूल जाने के लिए बच्चों को परेशानी जाती है, जिसमें कीचड़ है बहुत सारे जमड़ी मार्ग में, कूड़े के हाई स्कूल जाते हैं तो, और ऐसे ही आए दिन बिजली की समस्या, ये सारी समस्या है गांव में। अच्छा, तो क्या लगता है कांग्रेस फिर से अपना सत्ता यहाँ ला पाएगी? कांग्रेस का फिर से सरकार बनेगी यहाँ? देखिए, जन समस्याओं को यदि वो समाधान करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी। वैसे हमारे राज्य शासन से कोई मतलब कमी नहीं है भूपेश सरकार से, लेकिन हमारे स्थानीय विधायक जी जो है ना, थोड़ा निष्क्रिय दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि जो गांव में विकास काम नहीं हुआ वो स्थानीय विधायक के वजह से हुआ? हाँ जी। आपका क्या नाम है? मोतीलाल। बताइए, गांव में कितना कुछ विकास हुआ, क्या क्या समस्याएं हैं? अभी तो फिलहाल वर्तमान समस्या जो है हमारे गांव की, हाँ, सीसी रोड की है, और कई जगह मतलब अब पानी जल स्रोत जो नीचे जा रहा है वो भी समस्या है, कहो, हाँ, है ना, उसमें ना गवर्नमेंट कुछ कर सकती है ना अब जनता कुछ कर सकती है, कहो, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कहो। और अभी जो बरसात आ गया है तो हमारे ये जो नाली का भी, ये नाली नहीं बन पाई है, और इधर मतलब ये जबरदस्ती तो नहीं कहना चाहिए, सरकार का जो है योजना उनके अनुसार अभी बरसात में खुदाई कर दिए, जबकि सूखा सीजन गर्मी में खुदाई करना था, और ना ही इन लोग रिपेयरिंग के हैं रोड को। यहाँ क्या है, अपने गांव से सिरको से कूड़े कल जाते हैं, कहो, हाई स्कूल है वहाँ पढ़ने के लिए बच्चे लोग, इतना परेशानी हो जा रहा है कि पूरा और दिक्कत हो जा रहा है। उधर क्या है कि कूड़े केल का नाला तो आप जान ही चुके हो, पुल टूटा हुआ है, उन लोग भी बच्चे लोग इधर से ही आना जाना करके बसना छोड़ दे, उसमें भी बहुत दिक्कत हो जा रही है। हाँ, अच्छा, तो ये जो कीचड़ हुआ है मार्ग में, ये जो नल जल, हाँ हाँ, योजना उसमें खुदाई हुआ था, इसके हाँ, कारण हाँ, इसके कारण हुआ है। अच्छा, तो ठेकेदार कौन है? अब ठेकेदार को तो जानकारी नहीं है। अच्छा, तो पानी टंकी कहाँ पर है? पानी टंकी जो है गांव के जंगल के नीचे है, लास्ट है। पानी टंकी को देखे हो? हाँ, देखे हैं बिल्कुल। वहाँ पर किसी ठेकेदार का वो नहीं, कुछ बोर्ड नहीं लगा है, उन लोग खुदाई के हैं और नीचे में चालू के हैं। नल जल का काम कितने दिन से चालू है? ये तो मतलब हो गया, एक महीना से ज्यादा हो गया, गर्मी से चालू हो गया है गर्मी। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि अभी किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, आप बोल रहे हो कि गांव में विकास नहीं हुआ है, हाँ, तो गांव किन मुद्दों पर किसको वोट करेगी, बीजेपी को करेगी कि कांग्रेस? अब देखिए, अब वो तो कह नहीं सकते, मत की बात है कहो तो। बाकी हमारे जो स्थानीय विधायक जी हैं, हाँ, राजा साहब जी, वो तो नहीं कभी गांव आते हैं फिर भी कोई किस्म का जन समस्या को सुनते नहीं है, कहो। आपके सामने में राजा जी के आदमी हैं? हाँ, हमारे हैं, हम हाँ, तो इन्हीं को राजा मानते हैं भाई। हाँ, मैं खुद बोल रहा हूँ भाई, इन्हीं को बोलते हैं। हाँ, बोलते हैं, कुछ बहुत बार आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन देखो तो अभी एक बार भी अगर आके देख देते राजा साहब है कि नहीं, कि सक्रिय होना चाहिए काम है कि नहीं। विधायक जो है हमारे जो निष्क्रिय हैं, अपने गांव के लिए बोल रहा हूं भाई, अब दूसरा एरिया जाते हैं नहीं जाते हैं, दूसरा गांव देखते हैं नहीं देखते हैं, उसको तो मैं कह नहीं सकता। अच्छा, तो विधायक के तौर पे आप कैसे प्रत्याशी को देखना चाहेंगे बसना विधानसभा से? अब बसना विधानसभा से भाई जो जन कल्याण के लिए काम करे, किसान के हितैषी में काम करे, उसी को ही हम लोग देखेंगे। अच्छा, जैसे कि 5 साल पहले भी हम शायद आपके गांव आए थे, हाँ हाँ, तो हाँ, आपके गांव में जो है बसना जाने के लिए मुख्य मार्ग की भी समस्या थी। हाँ, समस्या थी, हाँ, तो अभी जो है वो हमको एक विकास दिखाई दिया। हाँ, विकास दिखाई दिया काल में। हाँ, तो क्या नहीं, वो तो कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुआ था, वो बीजेपी के कार्यकाल में हुआ था। मेन रोड जो है, ये जो आपके मेन रोड से जो आपके गाँव पहुँचे मार्ग है, हाँ 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 हाँ, बीजेपी के कार्यकाल में हुई थी।
नहीं नहीं वो तो अभी हुआ है, फिलहाल अभी चल रहा है काम। हाँ अभी हुआ है, चल रहा है अभी काम भी नहीं है पूरा। हाँ। वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है अभी राज्य बीजेपी कार्यक्रम। हाँ अच्छा पुल बीजेपी। हाँ वहाँ पे जो पुल था वो बीजेपी कार्यकाल में हुआ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम, मैं छत्तीसगढ़ में बोलूँगा। हाँ मोर नाम कुंजराम साहू। अच्छा हाँ तो का लग थे आप मतलब काकर सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में? बोला किसे जान बे मत के बाद जो आप मन किसान हो। हाँ तो मतलब आदमी मन के कहना है कि कांग्रेस सरकार तो छत्तीसगढ़ के किसान मन के हित में काम करत है। हाँ भूपेश बघेल किसान मन के हित में काम करत है। अच्छा। भले गरीब मतलब तो त्याग दे लेकिन किसान के हित में काम करत है। अच्छा आप किसान हो लेकिन आपको लगता है कि गरीब के हितों में काम नहीं कर रहे हैं? हाँ नहीं कर रहे। और गांव के गरीब लोगों का भी कहना है। हाँ। तो क्या लगता है इस बार फिर कांग्रेस सरकार बनेगी? हाँ कांग्रेस की सरकार फिर बनेगी। कई कर्मचारियों का वेतन भी उन्होंने नहीं बताया, नहीं बढ़ाया। तो वो मत के बात है ना, क्या बोला किसे जानबे मत के बात ला कौन मत काम है भाजपा में। ये बताइए कि बसना में बीजेपी से कौन जीतेगा या कांग्रेस से कौन जीत दिला? कौन टिकट दे थोड़ा किसे जानबे कौन जीते दिला? कांग्रेस के टिकट कौन नहीं मिला थे, भाजपा कांग्रेस से तो राजा प्रसिद्ध है कदी ओकर से आने हो जाने नहीं। अच्छा कांग्रेस से तो राजा साहब ने दूसरा नहीं मिले? नहीं मिले। बीजेपी के हमन बात करबो कौन ला मिल सकत है? हमन चाहत हन एरिया के मन का कहते हैं संपत अग्रवाल। अच्छा संपत अग्रवाल बीजेपी से मिले? हाँ मिले। और तो जीत दिला ही संपत अग्रवाल ऐसे लगते है? हाँ राजा हरवत ही हो। अच्छा राजा साहब हरवत ही है। आपका नाम क्या है महोदय? मेरा नाम पुरुषोत्तम पटेल, ग्राम जमड़ी। अच्छा अभी पिछले साल चार सालों से आपने कांग्रेस का कार्यकाल देखा, कितना विकास हुआ है गांव? विकास तो ऐसे ज़्यादा नहीं हुआ है। हाँ। पहले बीजेपी शासन था तो विकास बहुत उन्होंने किए हैं और अभी कांग्रेस कार्यकाल में फिलहाल तो ज़्यादा उतना काम हम लोग नहीं दिख रहा है। लेकिन बीजेपी यहाँ 15 साल तक तो राज्य की, लेकिन आपके गाँव एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाता था ऐसे? नहीं 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 वो गलत बात है। ऐसे जो समाचार पत्र में लगता तो फेक समाचार था? वो फेक समाचार है। बीजेपी शासन अभी तो पुल टूटा हुआ है करीबन करीबन 2-3 सालों से। हाँ। उसी कारण यहाँ दिक्कत हो रहा है गाड़ी वाड़ी आने से और बच्चों को स्कूल जाने से बहुत दिक्कत है। अच्छा इसके पहले तो बढ़िया गांव मुख्य मार्ग जो है वहाँ रोड नहीं था, पता है जब बीजेपी कार्य 15 साल तक थी बहुत बार समाचार नहीं। बीजेपी शासन में तो बना हुआ है जी पुल जी। ये बोल रहा हूँ आपको मुख्य मार्ग बोल रहा हूँ कौन सी? हाईवे से। हाईवे से वो तो केंद्र सरकार का है ना? अच्छा केंद्र सरकार का। वो तो योजना उसका केंद्र सरकार का है जो आप लोग जैसे यहाँ आ रहे हैं हमारा मेन रोड है। हाँ। वो केंद्र शासन का तो योजना है भाई, हमारे राज्य शासन से उसको क्या लेना देना। भूपेश सरकार में कितना विकास हुआ? भूपेश सरकार में तो उतना विकास नहीं दिख रहा है मेरे को। अच्छा तो हम लोग बसना विधानसभा की बात करें, मतलब बीजेपी से कौन जीत जीत सकते हैं? बीजेपी से अभी तो है डॉक्टर संपत अग्रवाल जी। अच्छा हाँ उन्होंने बहुत उनका जोर लगा हुआ है। हाँ। अगर बीजेपी से उनको टिकट मिले। हाँ। तो श्योर उनका आना सीट निश्चित है। अच्छा अच्छा हाँ। आपका क्या नाम है? राजेंद्र निषाद। अच्छा क्या कहना चाहते, कितना विकास हुआ है? विकास हुआ है मतलब। अच्छा विकास हुआ है गांव में? कौन कौन सा विकास हुआ है? नया भवन। हाँ सी रोड बना है आपके गांव में, लेकिन आप तो देख रहे हैं कैसे मार्ग पे चल पे जा रहे हैं। हमारा अलग रोड है ना, उधर से जाते हैं हम लोग। उधर से आप लोग जाते हैं। क्या लगता है आपको कांग्रेस की सरकार आएगी प्रदेश में दोबारा? आ जाएगी कांग्रेस सरकार तो बीजेपी लगता है। वो तो जो यहाँ भूपेश बघेल यहाँ क्या है भैया, कांग्रेस शासन है तो उन्होंने समर्थन मूल्य के कारण ही कांग्रेस शासन यहाँ आया है। अच्छा समर्थन मूल्य समर्थन मूल्य धान कारण ही यहाँ कांग्रेस सरकार है और बाकी तो कुछ उनका तो विकास नहीं दिख रहा है यहाँ। विकास नहीं करे से लेकिन कर्जा माफ ला करे से ना। हाँ कर्जा माफ और धान के समर्थन मूल्य कारण ही कांग्रेस सरकार यहाँ कारण है, जीत कारण है।